सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। कयाधु ने अपने पति के मुंह से उस रात्रि को 108 बार नारायण का नाम लिया। कितनी बार? और उसी रात्रि को कयाधु के गर्भ में भक्त प्रहलाद का प्रवेश होता। ये गया तपस्या की, वरदान पाया, और वरदान ये पाया, ना दिन में मरू ना रात में, ना अस्त्र से मरू ना शस्त्र से, ना 12 महीनों में किसी महीने में मरू, ना घर में मरू ना, ना धरती पे ना, ना नर से ना किसी से ना मरू। अब ये कह रहा है मैं अमर हो गया हूँ, आया और दुनिया में कह दी सब मेरी पूजा करो, अगर मेरी पूजा नहीं करोगे तो मैं उसे मृत्यु दंड दूंगा। और दिक्कत यही है, भगवान बदलने में टाइम लागे इसका। हाँ, आज हनुमान जी तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर ने, कल शिव जी जय शिव ओंकारने शिव पार्वती को, ओके पार्वती को प्यारो रहने दो, तमारो तो देखो तमारो प्यारो कौन है। इष्ट एक होना चाहिए, एक साधे सब, सदे सब साधे सब, राम जी को भी मानो, हनुमान जी को भी मानो, शिव जी को भी मानो, पर महाराज उनमें एक तो अपना इष्ट होता है ना। अगर एक इष्ट हुआ तो वो पार कर देगा सभी हुए तो महाराज, वो कहेगा वो जाएगा, नो कहेगा वो जाएगा, कोई नहीं आएगा। हैं? अंधकार होता है तभी प्रकाश होता है। सारी दुनिया हिरण्यकश्यप की पूजा करने लगी, धीरे 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 समय जाने लगा, प्रहलाद का जन्म हो गया, प्रहलाद भी अपने पिता को ही भगवान मानने लगा। धीरे धीरे समय गया, और जब समय गया तो एक दिन सुबह का समय है, प्रहलाद भ्रमण पे निकले, और जब प्रहलाद भ्रमण पे निकले तो उन्होंने देखा एक कोई माई है, वो माई रो रही है, उसके पास गए, वो भगवान को बुला रही है, और वो माई कह रही है अरे प्रभु बचा लो, अरे प्रभु बचा लो। प्रहलाद कहते हैं तुझे पता नहीं है भगवान सो रहे हैं अभी, अरे किसे बचाना? बोले इस मटकी के आवे में, इस जलती हुई आग में एक मटकी के अंदर बिल्ली के बच्चे, उनको बचा। प्रहलाद कहते हैं तुझे पता नहीं है कि मेरा भगवान सो रहा है? कुमारी निडर से कह रही है अरे तेरा भगवान सोता होगा, मेरा भगवान नहीं सोता, मंदिर में जाओ भगवान कैसा है, बैठा है, सोया है, कैसा है, है? राम जी का मंदिर में जावा तो भगवान की स्थिति कहीं है, खड़े हैं, बैठे भी नहीं है और सोए भी नहीं है। क्यों खड़े हैं? बोले मेरा भक्त बुलाए और मुझे जाने में देर ना हो जाए इसलिए वो खड़ा है, झट से इसलिए खड़ा है। तेरा भगवान सोता होगा, मेरा भगवान नहीं सोता। तेरा मेरा कर रही है, तेरा भगवान और मेरा भगवान दूसरा। हाँ, बोले तेरा भगवान तू जिसकी पूजा करता है वो तेरा पिता है, वो भगवान नहीं है, भगवान तो परमेश्वर है जिसने तेरे पिता को भी बनाया। बोले तुझे पता नहीं है मेरे पिताजी ने क्या कहा है, जो उनको भगवान नहीं कहेगा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। बोले महाराज वो तो पहले से ही मरा है जो भगवान का भजन नहीं करता। हाँ, वो तो पहले से ही मरा है जो भगवान का भजन नहीं करता, और तेरा पिता मुझे क्या मारेगा। जाको राके साइया तीन लोक नो खंड में हरि से बड़ा ना कोई, महाराज प्रभु से बड़ा कौन हो सकता है। कुमारन कह रही है नहीं महाराज। बोले तुझे मृत्यु दंड मिलेगा। बोले मरने से कौन डरता है, पर महाराज एक बात मेरी सुन लो। क्या? बोले प्रहलाद जी राजकुमार आप कह रहे हो तेरा भगवान तेरा भगवान, मेरा भगवान मेरा भगवान, पर ये बात ध्यान दो इस आग में बिल्ली के बच्चे हैं, क्या तेरा भगवान उन बच्चों को बचा सकता है? प्रहलाद अरे पागल हो गई है कोई, जलती हुई आग में से बच्चों को बचा सकता है? बोले तेरा भगवान नहीं बचा सकता, पर मेरा भगवान बचा सकता है। अब प्रहलाद को बात समझ में आई कि तो या कुमारन पागल है या दुनिया पागल है, तो ये पागल है या फिर। बोले माई तेरी बात सच हो गई तो मैं तेरा बेटा हो जाऊंगा, तू कहेगी वो करूंगा, और अगर ये जल गए अगर नहीं बचे तो ध्यान रख लेना हो मृत्यु दंड मिलेगा, और बच गए तो तेरा बेटा। ठीक है। अब वो कुमारन बड़े भाव से भगवान को याद करती है, वो समय ऐसा है उसे ये डर नहीं है कि मुझे मृत्यु दंड मिलेगा, उसे तो बस ये है प्रभु अगर आप नहीं आएंगे ना तो ये 7 वर्ष का प्रहलाद है इसके मन से भी आपके प्रति विश्वास उठ जाएगा, प्रभु आपकी पूजा कौन करेगा, इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु पधार जाओ
और वो कुमारन आंखों से आंसू बहा के प्रभु से पुकार करती है, और महाराज जिसका कोई नहीं होता उसका